बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान। क्लास फोर आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज टू सी। इससे पहले एक्सरसाइज टू ए टू भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर नंबर वन विद रियल लाइफ स्टोरी सम्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में एक्सरसाइज टू सी करेंगे। इसमें फर्स्ट पे हमें कहा गया कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स, हमें क्वेश्चन दिया गया, हमने इसको फिल करना है। ए पे हमें कहा गया डैश इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सभी नंबर्स में आता है, यानी वो कौन सा ऐसा फैक्टर है। तो वन है, ठीक है, जो कि हर एक का क्या है, फैक्टर है। अगर आप 25 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, सब में वन आता है, वन सबका फैक्टर है। फैक्टर्स ऑफ 6 आर, यानी 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी 6 कौन कौन से फैक्टर, यानी उस टेबल्स पे जाता है, 1 के टेबल पे आता है, 2 पे भी जाता है, 3 पे जाता है, ठीक है, और इसके बाद 6 फिर अपने ही टेबल पे जाता है, एंड 6 लिख लेंगे। फिर कह रहे हैं 1, 2 आर फैक्टर्स ऑफ, ये 1 और 2 किसके फैक्टर्स हैं, 2 के फैक्टर्स है ना। देखिए 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 एंड 2, इसके अलावा तो और नहीं होते। तो फिर ये हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 आर फैक्टर्स ऑफ 2। डी पे कह रहे हैं द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10, यानी 20 के आपने फैक्टर्स बताने हैं, जिसमें उन्होंने कुछ फैक्टर बता दिए हैं। फिर आपको कह रहे हैं कि नेक्स्ट कौन सा आएगा, एक उन्होंने 1 बता दिया, 2 बता दिया, 4 बता दिया, 5, 10, फिर इसके बाद 20 आएगा ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20। 13 इज अ डैश नंबर, 13 ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है। तो ये ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो यानी इसका फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्राइम, आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, नंबर, यानी 13 इज अ प्राइम नंबर। टू सी का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमें कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आपने बताने हैं। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 45, वो कह रहे हैं 7 45 का फैक्टर है। तो बच्चों 45 के फैक्टर जब आप लिखेंगे ना, ठीक है, तो वो कौन कौन से बनेंगे, 1, 3, और 45 किस में आता है, ठीक है, तो अब ये देखें 15 में भी आ जाता है और 45, यानी 7 नहीं है इसका फैक्टर, 7 के टेबल में 45 नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि 7 इज फैक्टर ऑफ 45, कि 7 जो है 45 का फैक्टर है, तो ये फिर फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि 7 नहीं आता। सेकंड पे कह रहे हैं इफ अ नंबर डिवाइड्स एन अदर नंबर कंप्लीटली देन द फर्स्ट नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, यानी अगर एक नंबर जो है डिवाइड करता है दूसरे नंबर को कम्प्लीटली तौर पे, तो पहला नंबर जो है वो फैक्टर कहलाता है दूसरे नंबर का, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पे टी लिख लेते हैं। सी पे कह रहे हैं 6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर, वो कह रहे हैं 6 और 8 के इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। तो 6 के फैक्टर देखें बच्चों क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 6, और 8 के फैक्टर देखें 1, 2, 4, 8, यानी इसके भी टोटल 4 फैक्टर बने और इधर भी 6 के भी 4 फैक्टर बने। तो वो कह रहे हैं दोनों के इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट फिर ट्रू होगी, दोनों के कितने कितने फैक्टर बन रहे हैं, 4 4। डी पे कहा गया अ नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर जो है उसका फैक्टर जो है वो खुद भी होता है। जाहिर बात है बच्चों, अगर देखें 2 हम ले रहे हैं, ठीक है, उसके फैक्टर ले रहे हैं, तो एक तो 1 पे वो होगा और 2 खुद पे भी होगा, तो यानी इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपना आप भी उसका फैक्टर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो टी लिख देंगे। 45 इज फैक्टर ऑफ 9, 45 जो है 9 का फैक्टर है। 9 के फैक्टर बच्चों आप लिखेंगे तो कौन कौन से आएंगे, 1, 3 और क्या आ जाएंगे, 9, तो इसमें तो हमारा 45 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फिर फॉल्स होगी, तो एफ लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें कहा गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपने सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। 2 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ, 2 और 7 किसके फैक्टर हैं, 3 के हैं, 3 के तो ये फैक्टर ही नहीं है, ना 2 है ना 7 है, और 7 के हैं तो 7 में 2 तो नहीं आ रहा ना। फिर ये 14 के फैक्टर्स हैं, यानी 14 जो है उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 2, 7 और 14, तो ये 2 और 7 आ रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि 2 और 7 किसके फैक्टर है, 3 के हैं, 7 के हैं, 14 के या 2 के, तो वो 14 के हैं क्योंकि ये दोनों इसमें आ रहे हैं, तो हम सी को क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। फिर कह रहे हैं आप 10 इज नॉट फैक्टर ऑफ, 10 जो है वो किसका फैक्टर नहीं है, 32 का, 20 का, 240 या 60, तो 32, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए ठीक है। सी पे कह रहे हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50, 50 के तमाम पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 5 और 10 ये तो नहीं, क्योंकि बच्चों 1 भी आता है 50 का फैक्टर, 2 भी आता है, 5 भी आता है, 10 भी आता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1, 5, 25 और 50 दिए गए, ये सारे फैक्टर हैं 50 के, लेकिन इधर से मिसिंग है कुछ वर्ड ना,
कौन कौन से हैं, जैसे कि 10 हो गया, ठीक है, यहां पे नहीं दिया गया है, 2 पे भी 50 जाता है, डिवाइड होता है, तो 2 फैक्टर भी यहां पे नहीं है, इसलिए सी को नहीं करेंगे। बी पे हमें दिए गए 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50, ये कम्प्लीट फैक्टर्स हैं 50 के, तो हम बी को फिर सर्कल कर लेते हैं। डी पे क्या कहा गया, 8 इज नॉट फैक्टर ऑफ, 8 जो है इसका किसका फैक्टर नहीं है, यानी ये देखें 2 दिया गया, 16 दिया गया, 8 दिया गया, 32। अब ये 16 भी 8 में आता है, 8 भी आता है, 32 भी आता है, लेकिन 2 नहीं आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 2 को सर्कल कर लेंगे, यानी ए वाला ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक का फैक्टर कौन सा है, ये आपको बता चुकी हूँ, 1 हर एक में आता है, तो 0, 2, 1 या 10, तो 1 आता है ना, तो बी को फिर सर्कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन फैक्टर नंबर्स के जो है आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 9 है तो 9 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 3 और 9, ये मैं यहां पे लिख चुकी हूं। तो आपने क्या करना है, लिखना है फैक्टर्स ऑफ 9, तो आगे लिख देना 1, 3, 9। 21 के फैक्टर 1, 3, 7 और 21। 11 के फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, 1 और 11। 24 के आ जाएंगे 1, 2, 3, ठीक है, 4, 6, 12 और 24, ठीक है। तो यहां अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो यहां पे साइड पे आप करके लिख लें, ठीक है। लेकिन मैंने जो बोल के आपको बता दिया है ना, तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या क्या मैंने बताया, 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 24। 18 के फैक्टर लिखेंगे 1, 2, 3, उसके बाद 18 किस में आता है, 6 में भी आता है, 9 में आता है और 18 अपने टेबल में। 35 के लिखेंगे 1, ठीक है, 5, 7 और 35, ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। क्वेश्चन 4 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। राइट यस आर नो, यस आर नो आपने लिखना है। फर्स्ट पे कह रहे हैं कि इस 12 फैक्टर ऑफ 36, पहले आप देख लें बच्चों 36 के फैक्टर लिख के फिर देखें उसमें 12 आ रहा है कि नहीं। तो मैं 36 के फैक्टर लिख रही हूँ, 1, 2, ठीक है, 3 और क्या क्या आ रहे हैं 36 का, 4, 6, 9, ठीक है, 12, 18, 36। ये 36 के फैक्टर्स मैंने सारे लिख लिए हैं। इसमें देखिए 12 एग्जिस्ट कर रहा है ना, 12 आ रहा है, वो कह रहे हैं 12 फैक्टर ऑफ 36, तो फिर इसमें हम यस लिखेंगे क्योंकि 12 इसका फैक्टर है। सेकंड में कह रहे हैं 45 के जो फैक्टर है उसमें 7 आता है, तो 45 के अगर फैक्टर हम लिखते हैं ना, 1, 3, 5, ठीक है, 9, तो इसमें 7 नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, 15, 45, तो 7 इसमें नहीं आ रहा है, तो फिर यहां पे लिखेंगे नो। इज 6 फैक्टर ऑफ 42, 42 के फैक्टर अब आप लिखें 1, 2, 3, 6, 7, ठीक है, और आप क्या लिख सकते हैं इसमें 21, 42। तो अब इसमें देखें वो कह रहे हैं इज 6 इज फैक्टर ऑफ, तो 6 इसमें आ रहा है, तो फिर यहां पे यस लिख देंगे। नेक्स्ट में आपको कह रहे हैं 50 के फैक्टर, तो 50 के फैक्टर लिख के पहले देख लेते हैं, 1, 2, 5, 10, ठीक है, और किस पे आता है 25, 50, तो वो कह रहे हैं, और साथ में ये अब वो कह रहे हैं कि 20 इसका फैक्टर है 50 का, देखें यहाँ पे कहीं 20 नहीं आया है, तो फिर यहाँ पे हम नो लिखेंगे। फिर 48 के फैक्टर, 48 के फैक्टर लिखेंगे 1, 2, 3, 6, 8 और 16, 24, 48, तो 16 इसमें आ रहा है, वो कह रहे हैं इस 16 इज फैक्टर ऑफ 48 के, 48 के फैक्टर में 16 आता है, तो हमने अभी देखा है कि 16 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा हुआ है कि राइट डाउन द फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स, हाउ मेनी फैक्टर डज ईच नंबर हैव। वो कह रहे हैं कि जो ये नंबर आपको दिए गए इनके सारे फैक्टर्स आपने लिखने हैं, ठीक है, बताने हैं कि हर एक के कितने कितने फैक्टर बन रहे हैं। तो 25 है, 36 है, 54, 32, 45, 50, इन सब के आपने फैक्टर लिखने हैं। तो इन सब के फैक्टर लिखने के लिए यहाँ पे मैं बच्चों लिख चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, पहले मैंने लिख लिया 25, इसके जो फैक्टर बन रहे हैं ना, कौन कौन से बन रहे हैं, 1, 5, 25, ठीक है, ये आ चुके हैं फैक्टर्स 25 के। फिर 36 दिया गया, 36 के फैक्टर्स मैंने लिख लिए हैं, कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। फिर 54 दिया गया, 54 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54। यानी फैक्टर्स का मतलब ये है कि इन सब टेबल्स पे ये जाता है, डिवाइड होता है। 32 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32। 45 के फैक्टर्स में आ रहे हैं, 1, 3, 5, 9, 15, 45। अब 50 के फैक्टर देखते हैं, 50 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50, ये सारे हमारे किसके फैक्टर आ गए हैं,
50 के फैक्टर आ चुके हैं। इसके साथ एक्सरसाइज 2 सी बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।